श्रोताओं नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लय कैसे बनती है, लय बढ़ती कैसी है, कम कैसे होती है, लय को बढ़ाने के लिए उसमें कौन कौन से ज़्यादा अक्षर प्रयोग होते हैं, और इसके साथ ही हमने देखा कि धीमी यानी विलंबित लय क्या होती है, द्रुत क्या होती है, अति द्रुत क्या होती है। और हमने उसी वक्त आपसे कहा था कि हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि चित्रपट संगीत में, जो कि हमारी इस दुनिया का सबसे लोकप्रिय संगीत है, इसमें तबले का प्रयोग कैसा हुआ है। अब जब चित्रपट संगीत का जिक्र यहाँ हुआ है तो चित्रपट संगीत के कुछ उदाहरण के साथ ही इस बात को हम उजागर करना चाहेंगे, और इसलिए आज हमने कुछ दिग्गज कलाकारों को यहाँ बुलाया है। आप है श्री सुभाष देशपांडे जी, जो सिंथेसाइजर पर संगति करेंगे। आप है अंजलि सिंगड़े जी, जो बहुत ही अच्छी वायलिन वादिका है। आप है श्री संजय सोनार जी, आप बहुत अच्छे गायक हैं, और एक बहुत ही अच्छी गायिका मंजूश्री, वो भी आज के हमारे इस एपिसोड में सम्मिलित है। तो जैसे कि हमारे इस मालिका का आरंभ या आगाज तीन ताल में निबद्ध गीत से किया था, उसी प्रकार हमारा आज का जो सिलसिला है तो इसका भी आगाज हम तीन ताल से ही करेंगे। और सबसे पहले श्री संजय सोनार साहब हमें तीन ताल में निबद्ध एक गीत सुनाएंगे। मेरे ख्याल से बैजू बावरा फिल्म का गीत है, मन तरपत हरि दर्शन को आज। तो सुनते हैं और बाद में इस ताल के बारे में हम कुछ बातें करेंगे समीर जी से। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगरे सगरे काज, हो तो समीर जी ये तीन ताल में गीत सुना हमने जी। हाँ। मन तरपत हरि दर्शन को आज, तो इसमें जरा मध्य लय का तीन ताल इस्तेमाल हुआ है, तो ये तीन ताल की विशेषता क्या है और कितने मात्रा है इसमें? मंगेश साहब, तीन ताल का इस्तेमाल ज्यादा तौर पर होता है, ये बात संगीत में सच है, लेकिन ये क्यों होता है इसका जवाब मेरे ख्याल से, मात्रा इसकी 16 है, तो 16 मात्र की होने की वजह से इसका जो डिविजन है वो भी 4-4-4-4 है, 16 मात्रे का ये तीन ताल है। बिल्कुल, जैसे कि धा धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा तीन तीनता, ता धिन धिंदा, तो 4-4-4-4 के खंड होने के कारण इसमें काम करने में या कुछ अपनी कल्पना शक्ति कलाकार की दिखाने में कलाकार को थोड़ी आसानी हो जाती है, गुंजाइश ज्यादा मिलती है, गुंजाइश ज्यादा मिलती है। यहाँ तक कि जब गुरु तबला वादन सिखाते समय अपने शिष्य को पहले तीन ताल ही सिखाता है, क्योंकि तीन ताल तो सब तालों का राजा है, ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो तीन ताल का जो फ्रेम अगर उसके समझ में आ गया, उसका जो आकार है, किस तरीके से आगे चलता है तीन ताल, तीन ताल की जो मात्रा है, बजाने का जो उसका जो निकास जो है, धा धिन धिन धा, ये जो है, फिर इसमें आपको पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ तीन का भी इस्तेमाल है, ता का भी, तो यह चाटी पहले सीखने में मिलती है, धा कैसे बजता है, तो
ये तीन ताल में जो है दग्गा और तबले का दोनों का मिश्रण भी बड़ी खूबी से इसमें आया है, उसका नाद जो है टोन। और तीन ताल सबसे बड़ी बात है इसकी जो चलने का तरीका है बिल्कुल ऐसा सीधा है, तो ऐसा लगता है कि किसी गायकी को वो बिल्कुल अपने कंधे पर रख के जा रहा है आगे। बिल्कुल। अब इसमें मैंने देखा था कि इसकी उठान जो थी कि मन तर पद हरि दर्शन को आज, मन तर पद हरि दर्शन, तो ये दर्श का जो श है उस पे सम रखी गई थी, तो एक बहुत ही उसका जो हम कहते हैं कि आकृति बंध संगीत का उसमें उन्होंने व्यक्त किया था, और उस सम इतनी खूबसूरत रखी हुई है कि सम अपने आप आ जाती है, उसे जानबूझकर लाना नहीं पड़ता, सम मिलने आती है, मिलने आती है, मिलने को जाना नहीं। तो इस गीत की यही विशेषता है, यही वैशिष्ट है कि ये गीत उस समय से आज तक इतना पॉपुलर है, इतना लोकप्रिय है। उसकी वजह यह है कि एक खास बात ये भी है कि इसका ताल का पैटर्न जो है, रचना जो है, ये बहुत खास रखी हुई है। सच बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सीने संगीत में जो ताल के पैटर्न का काम किया है वहाँ के तबला वादकों ने या ताल कर्मियों ने, वो तो बहुत लाजवाब। बिल्कुल। अब तीन ताल से तो हम वाकिफ हो चुके हैं, और अब हम मुड़ते हैं फिर से एक ताल की ओर। जैसे कि इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था शास्त्रीय संगीत के रूप में कि विलंबित एक ताल कैसा बजता है, द्रुत एक ताल कैसा बजता है, इसका जिक्र हमारे पिछले एपिसोड में हुआ था, इसलिए सुगम संगीत में भी उसका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ गीत याद आते हैं, एक तो धीमी लय में एक ताल में याद आता है फिल्म सीमा का, जो कि जय जयवंती में गीत था, शंकर जयकिशन साहब की बहुत अच्छी कंपोजिशन थी। मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना मोहना। तो ये गीत मैं जब सुनता हूँ तो मैंने देखा है कि एक ताल की लय के साथ, एक ताल की मात्राओं के साथ जय जयवंती के सुर जो चलते हैं, तो एक जो सिंक्रोनाइजेशन का जो आनंद होता है, एकत्व का, तो वो हर सुनने वाला लेता है उसमें। तो ये एक ताल की विशेषता जो है पिछली बार हमने शास्त्रीय संगीत के रूप में देखी थी, तो जरा ललित संगीत के रूप में, सुगम संगीत के रूप में आज हमें आप बताइए ना कि इसकी मात्रा कितनी होती है। देखिए, एक ताल की मात्रा तो बाहर है, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक ताल कितना फ्लेक्सिबल है, कितना वो विलंबित लय में, मध्य लय में, द्रुत लय में, अति द्रुत लय में भी बजता है। बिल्कुल। अति विलंबित लय में बजता है, लेकिन सिर्फ यहाँ तक ये सीमित नहीं है। एक ताल का आप अगर देखेंगे तो इसके एक बंद और खुले बोलों का इस्तेमाल इसमें हुआ है, इसलिए ये तो संगत के लिए भी बहुत मजा दे के जाता है। एक और बात है, एक ताल में मात्रा बारह है, लेकिन उसके जो खंड है वो छः खंड है एक ताल में, तीन ताल में चार है। इसमें मात्रा कम होने के बावजूद भी खंड ज्यादा है, छः खंड है। इसमें काल दो जगह है, यानी कि तीन दिन धागे त्रिकेट तू ना कत, तीन धागे त्रिकेट धीना, जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो तीन और सात पर काल है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दह अकरा बारह। अच्छा, काल यानी जो हाँ खाली भी कहते हैं लोगों से, हाँ जिसे खाली कहते हैं। तो ये एक बात है, इसमें काल भी दो है, और तालियां देखे कि नहीं आप, एक इसमें। और भी एक गाना मुझे याद आता है, और मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को कि अब एक ताल का जिक्र चल रहा है तो वो गाना भी मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि सलील चौधरी साहब की एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जी। और ये बागेश्वरी बहार है और बहुत ही खूबसूरत चलता है। मैं तो गायक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये गीत क्योंकि मेरा पसंदीदा है इसलिए मैं गाऊंगा इसे जरूर। तो वो गीत है, पवन दीवानी पवन दीवानी न मानी उड़ाए मोरा घुंघटा, मानी पवन दीवानी पवन दीवानी। क्या बात है, अब तो अच्छा गा भी लेते। ये कोशिश थी, और चूंकि
हमारा हर एक पसंदीदा गीत गाने का हमें पूरा अधिकार है जी हाँ, भले हम कैसे भी गाए। तो इसलिए मैंने ये उस ताल के जिक्र के लिए ये गीत पेश किया था। तो देखिए कि ताल और सुर, कंपोजिशन और ताल रचना तबला, ये कितना घुल मिल गया है इसमें। तो एक ताल का जो जिसे कहते हैं कि डोल जो है, उसकी खूबसूरती जो है, तो ये खूबसूरती पूरी यहाँ इस्तेमाल की गई है इस ताल में। सच बात है। तो ये तो एक ताल में ऐसे बहुत से गीत है। समीर जी, मुझे और एक गीत याद आ रहा है और मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है। उसमें भी रिदम जो है, ठेका जो है, बहुत ही खूबसूरती से रखा गया है और वो रिदम जो है उसका, ये थोड़ा तीन ताल के बराबर लगता है मुझे। और वो गीत जो है चारुकेशी राग में बंधा हुआ है, मदन मोहन साहब की एक बहुत अच्छी तर्ज है, बैया ना धरो ओ बलमा। तो ये जो इसमें ठेका है, ताल जो बजा है इसमें, तो ये क्या ताल है? ये अद्धा तीन ताल। हाँ, अद्धा कहते हैं उसे। अच्छा, अद्धा और तीन ताल, मैंने देखा कि स्वरूप तो दोनों का बिल्कुल समान है लेकिन वजन जो है थोड़ा जुदा है, तो क्या फर्क क्या है अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो? देखिए मंगेश जी, ताल तो तीन ताल ये बजता है, दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा दे। तो इसी को लेकर बस ये आधा तीन ताल। क्या बात है, हुआ तो क्या है, मात्रांतर होता है क्या? नहीं, मात्रा उतनी रहती है लेकिन एक मात्रा कम होने का आभास होता है, आभास लेकिन होता मात्रा है। कम नहीं होती। हाँ। मात्रा वही है, जैसे कि धा धिन धिन धा के बजाय धा धिन धा ऐसा बजता है। तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ हम तीन ताल में 16 गिनते हैं, तो अद्धा तीन ताल में हमारी गिनती 8 पे आ जाती है। हाँ, मध्य लय में तो जैसे 16 का 8 हो जाता है, जैसे मानो कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन, ये 8 मात्रा है। वैसे ही धा धिन धा, धा धिन धा, धा धिन धा, धा धिन, ये तीन ताल का ही एक भाई है ऐसा हम कह सकते हैं इसको, या बहन इसकी मात्रा। हाँ, बहन बहन है, मात्रा भी सेम है, खंड भी सेम है, बिल्कुल सब एक, उसका जो आकार है वही आधे का भी है, सिर्फ इसमें एक मात्रा कम होने का आभास है लेकिन वो मात्रा कम हुई नहीं, और उससे पूरा उसका मिजाज ही अलग हो गया, धा धिन धा, धा धिन, बिल्कुल खींच के खींच के है। तो ये गीत और ये आधा तीन ताल जो है, अब हम सुनते हैं मंजूश्री जी से। अब ये तो बात हुई आधा तीन ताल की जी, बहुत ही खूबसूरत उसका ठहराव है और बहुत ही खूबसूरत गीत भी हमने सुना मंजूश्री जी से। अब हम उड़ते हैं झपताल की ओर जी। मेरे ख्याल से झपताल में 10 मात्राएं होती है जी। हाँ, बराबर। अच्छा, इसका चलन कैसा होता है जरा बताइए ना आप हमें झपताल के बारे में। झपताल की मात्रा तो 10 होती है जैसे आपने बताया, मैं झपताल बजा के दिखाता हूँ। बिल्कुल। धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना, धिन ना एक दो, धिन धिन ना तीन चार पांच, तिन ना छः सात, धिन धिन ना आठ नौ दस। तो ये 4 डिवीजन इसमें भी है, तीन ताल जैसे इसमें भी 4 डिवीजन है, 4 खंड है लेकिन सम नहीं है।
जैसे तीन ताल में चार 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 थे, जैसे कि धा धिन धिन धा, दूसरा धा धिन धिन धा, तीसरा धा तीन तीन ता, चौथा ता धिन धिन धा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दो तीन के खंड है, यानी कि धिन ना एक खंड, जैसे मैं ताली पे बताता हूँ, धिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना, दो तीन के खंड। बहुत ही खूबसूरत ताल है ये भी, और इसकी नजाकत तो देखते ही बनती है, सुनते ही बनती है। तो झपताल में भी हम एक बहुत खूबसूरत गीत सुनते हैं जो कि राग यमन में निबद्ध है और दत्ताराम जी की बहुत ही खूबसूरत तर्ज इसे मिली है। तो आप तो पहचान ही गए होंगे कि ये कौन सा गीत है। ये वही गीत है, आंसू भरी है ये जीवन की राह है। और मैंने लोगों से सुना है, देखा है, और बहुत से बार मैंने देखा है, हमारे बहुत ज्ञानी दिग्गज पंडित कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत में एक ताल ऐसा है कि जो सभी ताल कल्पनाओं से बहुत ही जुदा है, कि बाकी सभी तालों का जो सम है वो धिन पे आता है, लेकिन हमारा रूपक ताल ऐसा है कि उसकी जो सम है तो तीन पे आती है। सच बात है। तो ये जरा समझाइए ना हमें, क्या बात है ये रूपक ताल में, ये ऐसा क्यों है? रूपक में मात्राएं सात है। पहला डिवीजन जो तीन तीन ना से शुरू होता है और बाद में जवाब देता है धिन ना धिन। अच्छा, तीन तीन ना धिन ना धिन ना तीन तीन ना धिन, तो सम। अच्छा, तीन और चार, तो इसका डिवीजन भी है, ये तो मात्राएं सात है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये सात मात्रा है। बिल्कुल। लेकिन तीन तीन ना एक खंड है, धीन ना दूसरा खंड है, धीन ना तीसरा खंड है, तीन दो दो, ऐसे इसके डिवीजन है। क्या बात है। तो बहुत ही खूबसूरत ताल है ये, और रूपक ताल जैसा कि मैंने अभी कहा, इसकी सम और काल एक ही मात्रा पर है, सिर्फ सम नहीं काल भी पहले ही मात्रा पे। ये भी उसकी खासियत है। ये भी उसकी, बाकी इसमें खाली अलग होती है, सम अलग होती है। तो ताल में अगर ऐसे, अगर इसको ताल क्रिया में दिखाना है, ताली में दिखाना है, तो तीन तीन ना धिन ना धिन ना तीन तीन ना धिन ना धिन ना तीन, तो काल भी हम ऐसे ही दिखाते तबला वादक, लेकिन इस ताल में काल भी यू दिखा रहे और सम भी यू बता रहे। तो बहुत ही खूबसूरत ताल है, और मैं सुनता हूँ हमेशा, एक बहुत ही प्यारी सी गजल है हसरत मोहानी साहब की, जी गुलाम अली साहब ने बहुत ही, हाँ उसमें बहुत अच्छा खूबसूरती से गाई है, और मेरे ख्याल से रूपक ताल में निबद्ध है वो। हाँ बिल्कुल, रूपक में है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रा, क्या बात है। तो ये रूपक, रूपक क्या और एक है, मैं ऐसा बता सकता हूँ, जो दर्द भरे गाने हैं या दर्द भरा जो माहौल है वो रूपक में ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ऐसा मैंने भी देखा है। दादरा में भी है और रूपक में भी, एक ऐसा अलग ही माहौल है रूपक का। बिल्कुल। और ये एक ताल है, एक विषम मात्रा की ताल है। रूपक जो है सात मात्रा का है, हमारा तीन ताल सोलह का, सोलह का है, झप ताल दस का है, ये सात का है, ये विषम है, विषम है। तो हम सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत, मेरे ख्याल से जिस देश में गंगा बहती है, एक फिल्म थी राज कपूर साहब की, बहुत ही खूबसूरत गीत था, ओ बसंती पवन पागल। ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा रुको कोई, ओ बसंती
कुछ जगह ये ताल बहुत ही प्रचलित है, कुछ जगह बिल्कुल चलते नहीं है। तो ऐसे भी ताल हम हमारे अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए हम चाहेंगे आपकी इजाज़त। नमस्कार।